इतिहास अपने आप को दोहराता है और ऐसा हाल ही में बॉलीवुड में हुआ है। फर्क इतना है कि पहले शाहरुख खान ने बाजी मारी थी और अब अक्षय कुमार ने हिसाब बराबर कर दिया है। 2013 के अगस्त की बात है, 8 अगस्त को अक्षय कुमार की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा रिलीज होने की घोषणा की गई थी। अचानक इसी तारीख को शाहरुख खान ने चेन्नई एक्सप्रेस लाने का फैसला लिया। कोशिश की गई कि टक्कर को टाला जा सके, शाहरुख नहीं माने। आखिरकार अक्षय की फिल्म को एक सप्ताह आगे बढ़ाया गया और ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हुई। इधर शाहरुख की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस क्या हिट हुई, उन्होंने अक्षय की फिल्म के लिए ज्यादा थिएटर्स नहीं छोड़े। अक्षय की फिल्म इस कारण खास ओपनिंग नहीं ले पाई और फ्लॉप हो गई। अब आते हैं 2017 में, फिर अगस्त का महीना। 11 अगस्त को शाहरुख खान ने जब हैरी मेट सेजल को रिलीज करने का निर्णय ले लिया, पीछे से आ गए अक्षय कुमार और उन्होंने भी इस दिन अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को प्रदर्शित करने की घोषणा करते हुए शाहरुख की फिल्म से टक्कर लेने का फैसला लिया। 4 साल में स्थितियां बदल गई, पहले शाहरुख आगे थे और अक्षय पीछे, अब अक्षय आगे हैं और शाहरुख पीछे। शाहरुख ने अपनी फिल्म हटाई और एक सप्ताह पहले रिलीज की, पहले ही सप्ताह में फिल्म पिट गई। दूसरे सप्ताह में हैरी और सेजल के पूरे अवसर अक्षय की टॉयलेट ने खत्म कर दिए। इस बार अक्षय की फिल्म ने शाहरुख को मात दे दी है।